सिरसा के हुड्डा ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने आज भाजपा रैली को संबोधित किया। डेरा सच्चा सौदा सहित सिरसा की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं का नाम लेते हुए शुरू किए भाषण में भाजपा को बहुमत से सरकार बनाने के लिए अपील की। वहीं उन्होंने तमाम सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि इस चुनाव मैदान में अगर एक पार्टी की सरकार बनती है तो भाजपा की बनेगी और अगर कोई पार्टी एक नंबर पर आती है तो वह भाजपा ही होगी। इस चुनाव में जितने सर्वे आते हैं, जितना एनालिसिस आता है, जितने पॉलिटिकल पंडितों के लेख आते हैं, कोई कहता है पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी, कोई कहता है त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, लेकिन जो कहता है हंग असेंबली बनेगी वो भी ये कहता है कि नंबर एक पार्टी तो बीजेपी बनेगी। अब भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। सबने मान लिया है कि इस चुनाव के मैदान में एक पार्टी की सरकार बनती है तो भी बीजेपी की बनेगी और नंबर एक पार्टी बनेगी तो भी बीजेपी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक शिक्षा हरियाणा से ही ली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे हरियाणा का विकास कर इस कर्ज को ब्याज सहित चुकाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिरसा क्षेत्र के लिए विकास के लिए कृषि पर आधारित विशेष योजना बनाकर विकास करवाया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष मॉडल की दरखास्त करूंगा और मैं इस क्षेत्र विकास के लिए योजना बनाऊंगा। भाई, मैं हरियाणा का कर्ज चुकाना चाहता हूं, विकास करके ब्याज समेत ये कर्ज चुकाना चाहता हूं। भाइयों, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मोदी ने अपने भाषण में कई बार डेरा सच्चा सौदा का नाम लिया और इसके द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान की भी तारीफ की। इससे लगता है कि मोदी ने इशारों ही इशारों में डेरा के समर्थन की भी अपील कर डाली है। मैं बाबा सरसाईनाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूं, गुरु महाराज राम सिंह जी मस्तान जी का सच्चा सौदा, राधा की भक्ति राधा स्वामी और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।